अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह का करम है कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज संडे है, संडे मॉर्निंग है, और मॉर्निंग तो हमारी काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 11:30 अराउंड, मुझे लगता है 11:45 का टाइम था। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और बाकी अब आप लोग कहेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट आपको बताऊँगी आगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो फ़िलहाल बर्तन धो लेते हैं। मैं सुबह से कपड़े धो रही थी, और लाइट का भी डर था कि बंद हो जाएगी और चली जाएगी, फिर मेरा काम लटक जाएगा, और वैसा ही हुआ है मेरे साथ आज। तो गीज़र में पानी गर्म था, इसलिए मैंने कहा पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, क्योंकि पानी बाद में ठंडा हो जाएगा और फिर बर्तन धोए नहीं जाएंगे। कल क्या हुआ कि मैं सुबह से लाइट का वेट करती रही, और गीज़र में पानी बिल्कुल भी नहीं था गर्म, और मैंने यकीन माने सुबह के बर्तन दोपहर के 3 बजे धोए थे। ठंडे हो जाते हैं ना, फिर ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं धोए जाते, और इतनी मतलब चिकनाई, मतलब ऑयली ग्रीसी जैसे बर्तन हो जाते ना, ऑयली जैसे, तो वो ठंडे पानी से ऑयल और जम जाता, तो इसलिए बर्तन साफ़ होते ही नहीं। तो कल 3 बजे किए थे, तो आज यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिया, और किचन भी मैं क्लीन कर लूँगी। आज मैं किचन के काम से जल्दी ही फ्री हो गई हूँ, और झाड़ू लगाने रह गया, तो ये फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। एक बहन कहेंगी कि अभी भी आपने पर्दा नहीं लगाया। सिस्टर, मैं बाहर ही नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ, और ताकि मैं मतलब जाऊँ और कपड़े। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो गई ना, टेम्परेचर सुबह ठीक था, मतलब मुझे लगा धूप है, तो आज धूप में बैठ के ना सारे काम बाहर ही करूँगी आज तो। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही इतनी ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा, फिर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, इतनी ज़्यादा कि अब बच्चे जो हैं अपने पापा के पास है ऊपर, और मैं नीचे का काम कर रही हूँ। आज क्या हुआ कि हमने अर्ली लंच और लेट ब्रेकफास्ट वाला काम किया आज ना, लेट उठे थे सारे, तो मैंने दूध गिलास दे दिया, दूध का गिलास सबको दे दिया। उसके बाद रात को हस्बैंड ले आए थे ना वो रोगन जोश, मतलब मटन रेडीमेड ले आए थे, तो फिर हमने रात को खाना खा लिया होता, ये काफ़ी लेट आए थे, तो उस वक्त तक मैं बच्चों को सुला रही थी जब ये आए थे, और बच्चे सो चुके थे, फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो आज सुबह हमने क्या किया कि बस दूध पिया, उसके बाद मैंने राइस बना लिए थे, ज़ीरा राइस, ताकि चावल जो है उनका थोड़ा सा असर ठंडा ना रहे, गर्म रहे। और फिर उसके बाद हमने लंच कर लिया, मतलब हमारा अर्ली लंच और लेट ब्रेकफास्ट हुआ है आज, 11:30 के करीब हुआ है हमारा। तो वो चले गए बच्चों को लेके ऊपर, कह रहे थे कि आप नीचे की सफाई वगैरह कर लो, फिर आप ऊपर आ जाना। तो इतना है कि हस्बैंड ना बच्चों को संभाल लेते हैं, बहुत बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, इवन काम में तो नहीं करते कि मैं घर के काम में करते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं करते और नहीं करना चाहते, तो मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि वो बच्चों को संभाल लें, और वो बच्चे संभाल भी रहे हैं। अभी दोनों बच्चे ऊपर हैं, उनके पास है, काफ़ी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी ठंड से बचाना है। बच्चों को मैंने सुबह ही नहला दिया था, उस वक्त ना धूप थी, तो मैंने बच्चों को नहला दिया और पैक वैक कर लिया, और उसके बाद से बाहर नहीं जाने दिया। जैसे ही ऐसा मौसम हो गया ना, मैंने कहा अगर बाहर जाएंगे तो हवा लगेगी और बीमार हो जाएंगे, तो उनको भी नहला दिया। वो सब मतलब हम संडे है ना आज, तो हम सब सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, और फिर मैं कपड़े धो लेती हूँ। और कपड़े आज ऐसा हुआ कि मेरी टाइम मैनेजमेंट ना थोड़ी सी हिल गई, मैं नीचे ऊपर नीचे करती रही और बातें बातें करती रही इनके साथ, तो टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने 2 ही स्लॉट्स में कपड़े धुले हैं अभी, और लाइट चली गई है, अब मैं लाइट का वेट करूँगी, जब आएगी तो 2 स्लॉट और चलाने हैं, बस मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और 1 स्लॉट के तो मैंने इवन स्पिन करके मैंने सुखाने के लिए भी डाल दिए, और दूसरे स्लॉट के धुल गए थे लेकिन स्पिन नहीं हुए थे। तो अभी मैं नीचे की सफाई कर रही हूँ, और सफाई करके फिर मैं चाय बनाऊँगी, टेस्टी सी चाय, इलायची अदरक डालकर, और फिर मैं बच्चों को पास जाऊँगी, मैं भी वहीं पे, हम भी वहीं पे रहेंगे पूरा दिन, हीटर लगा के ना, लाइट ही नहीं है, हीटर कहाँ लगाएंगे, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी हम हीटर लगा लेंगे और बस ऊपर रहेंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आज का ब्लॉग इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैंने कहा था ना कि मुझे एक किसी एक को रिप्लाई करना है, किसी एक कमेंट का, वो फेक आईडी वाला ही, वो मुझे कह रहे हैं कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते। एक्सक्यूज़ मी,
मैं नमाज़ पढ़ती हूँ चाहे नहीं पढ़ती हूँ उसका सबूत मुझे अपने अल्लाह को देना है, आपको नहीं देना। मैं ढिंडोरा पीट के मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, दुनिया को दिखाना नहीं है मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, उसका प्रूफ मुझे अल्लाह को देना है और अल्लाह ही देख रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। आप कौन हो, मतलब कैसे जज कर सकते हो आप, मुझे जज कर रहे हो कि मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ। मैं दिखा के नहीं पढ़ रही, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर या नहीं दिखाना चाहते या हम कंफर्टेबल नहीं हैं। दैट डजेंट मीन कि हमें हम ये नहीं कर रहे हैं। आपने कैसे जज कर लिया हमें कि हम नहीं पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं ना, तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, आप अल्लाह को याद कर रहे हो, आप दुनिया को दिखा के करते होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आई एम सो सॉरी, मैं यूट्यूब पे तो ये चीज़ें नहीं दिखा सकती कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। हाँ, रोज़ों मतलब जब रमदान का महीना था तब मैंने दिखाया भी था, तब मतलब पूरा दिन हम इबादत करते थे, पूरा पूरा दिन। लेकिन अभी ऐसा है कि सारी चीज़ें हैं, हमें मैनेज करके चलना है और नमाज के लिए हम टाइम निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कैसे जज कर सकते हैं? आप पढ़ते हैं, दुनिया को दिखा के पढ़ते हैं, तो फिर आप मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं? अच्छा नहीं लगता ऐसे आप बोलें तो, किसी को जज करना और ऐसी चीज़ों पे जज करना, इट्स अ वेरी वेरी क्या कहेंगे इसे, इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आप इन चीज़ों पे आप जज कर रहे हैं, है ना। तो खैर ये बातें होती रहेंगी, अभी मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, और फिर चाय बना के ऊपर जाएंगे और सर्दी का मज़ा लेंगे। आज संडे है, कहीं घूमने का भी प्लान है, लेकिन वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, बच्चों ने खेल खेल के ना बहुत कोहराम मचाया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। ठंड ज़्यादा हो गई थी तो मैंने श्रग डाल लिया, ये मेरे पास था और मैंने इसको पहन लिया। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मैट जो हमने, ये जो मैटिंग है, जब पहले हमने शुरू शुरू में करवाई थी तब नई नई थी, तो इस पे झाड़ू नहीं लगता था, वैक्यूम से ही सफाई करती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन अब ये थोड़ा सा घिस चुका है और इस पे आराम से झाड़ू लग जाता है, और मैं इसको पोर्शन में झाड़ू को लगाती हूँ और एक कॉर्नर पर इकट्ठा कर देती हूँ। जब लाइट आएगी तो मैं वैक्यूम से यहाँ पर सफाई कर दूँगी। डेली हमारा ऐसे होता है, झाड़ू हमारा इसी तरह डेली लगता है, और फिर मैं वैक्यूम से सफाई कर लेती हूँ और पोर्शन में लगाती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया वैक्यूम के लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा, और वैक्यूम आगे से उसका ना जो नोज़ल है ना बहुत छोटी है और उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो साथ साथ में मैंने चाय भी रख ली थी कि चाय भी बनती रहेगी, एकदम से कड़ जाएगी ना वो, जिसे कहते हैं बहुत अच्छे से पकने वाली चाय, वो वाली तो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही थी यहाँ से। और दूध ऐड करके ना मैं दोबारा से काम पर चली गई थी, काम करने के लिए, और साथ साथ में ये बन रही थी और मेरा काम भी साथ साथ में कंप्लीट हो गया और चाय भी हमारी बन गई, काम भी हमारा हो गया। अब मैं भी जाऊंगी ऊपर और बैठेंगे, जब तक लाइट नहीं आती तब तक बैठूंगी, उसके बाद मुझे काम करना है। और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा तो मैंने ये श्रग पहन लिया, लेकिन दौड़ दौड़ के काम किया, मुझे गर्मी लग रही है और मैं इसको उतारने लगी, और इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि मुझे याद नहीं है तब मेरे पास कौन सा परफ्यूम था या डियो था, मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, जब मैंने यूज़ किया होगा और इसके ऊपर छिड़का होगा मुझे लगता है, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। अब याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा है, वही लेती दोबारा से। अभी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि इधर उधर भाग दौड़ के काम किया ना तो गर्मी लगने लग गई। चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो चाय मैंने यूज़ की है ना, मतलब पत्ती, वो ताजमहल के टी बैग्स थे, मैंने इनसे ताजमहल पत्ती मंगवाई थी, लेकिन इन्होंने ना टी बैग्स मिले थे इनको, तो कहते टी बैग्स मिले हैं, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, टी बैग्स ले आए, मैं उनको काट के यूज़ कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि वो यूज़ नहीं होते। तो अब चाय डालते हैं। It's time for the meaning. Now we show we're coming winning. It's me, it's me, it's me, it's really, it's
ये है दोनों बच्चों की, हस्बैंड की, और ये सबसे कम मेरी, क्योंकि चाय पीने में मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे नहीं अच्छी इतनी ज़्यादा लगती, लेकिन अब ठंड है तो थोड़ी सी पी ली जाए, साथ में थोड़ी सी सुंड पंजीरी। तो चलते हैं ऊपर, करते हैं वहाँ पे इंजॉय। असद इतनी देर रहता नहीं है कमरे में बंद, लेकिन उसके पापा होना जब तो वो रह लेता है मेरे साथ नहीं, मेरे पास हो तो फटाफट बाहर जाने की कहता है। तो कपड़े मेरे एक स्लॉट के धुल चुके थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब हमारी चाय खोलो। अजय मम्मा असद क्या किया आज? पापा को तंग किया? बहुत ज़्यादा तंग किया इन्होंने, है ना? बताओ पूरा दिन मैं कैसे निकालती हूँ इनके साथ, वो मुझे पता है। ये देखो इधर क्या बन रहा है, बर्गर। चाय का हम करते हैं, चाय का ये लो अपनी चाय। ये जो कम वाली है ना ये मेरी है, आपकी ज्यादा वाली है, ये लो। असद और राहत की जब ठंडी होगी तब पिएंगे, ठीक है? हम करते हैं अपनी चाय का मजा लेते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। आज शाम को हमारा प्लान है कहीं बाहर जाने का, मे बी अगर ठंड ऐसी ही रही तो फिर हम नहीं जाएंगे, बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे घर में ही ठीक रहते हैं, हवा वगैरह लग जाती है इनको नहाए हुए हैं। तो अगर गए कहीं तो फिर आपको वो मिलेगा अगले ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग यहीं तक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।